अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बर्गर प्लेटर। ये नदीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, ये एक इलेक्ट्रिशियन भी हैं और साथ साथ बैंकर भी हैं, और उन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है और उस रेस्टोरेंट में इन्होंने एक यूनिक चीज़ निकाली है। इनका कहना है कि पूरे पाकिस्तान में आपको बर्गर प्लेटर कहीं नहीं मिलना, और ये किस तरह बना रहे हैं इसकी मेकिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इनके जो सॉसेस हैं वो भी ये खुद बना रहे हैं, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। नदीम भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि बर्गर प्लेटर को मुतारफ़ कराने वाला पूरे कराची में मैं ही हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल 110% सही है, क्योंकि मैंने ये बर्गर प्लेटर्स को इंट्रोड्यूस कराया है कराची के अंदर। यानी कि आप ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था। बैठे हुए हमें एक ख्याल आया कि यार कुछ यूनिक सा चीज़ होनी चाहिए कि हर बर्गर को जो है ना एक जगह पर यकजा कर दें, ताकि एक प्लेट पर आ जाए वो। ये बर्गर प्लेटर, क्योंकि जब प्लेटर का नाम आता है तो ये दिमाग में आता है कि 3 से 4 लोग खा लेंगे आराम से, तो ये बर्गर प्लेटर कितने लोग खा सकते हैं? ये मेरा बर्गर प्लेटर 3 to 4 लोग खाते हैं आराम से, 3 से 4 लोग खाएंगे और रश करेंगे और कहेंगे वाह मज़ा आ गया। नदीम भाई बहुत ही खुश इखलाक है, और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि 3 से 4 लोगों ने खाना है और यकीनन वो तारीफ़ करते जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कितनी जूसी इन्होंने बर्गर बनाया है, और 3 बर्गर हैं और तीनों बर्गर पर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। एक बीफ है तो चिकन है, फिर एक उन्होंने एक ये मतलब इतने सारे बर्गर्स की कैटेगरी बनाई, आप एक भी बना सकते थे, आपने तीनों अलग अलग बना दी। प्लेटर्स का मकसद ही यही है कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए एक प्लेट में, ताकि आपको हर चीज़ का टेस्ट मिले। अब मेरे पास जो है लोग आते हैं बीफ लवर, वो खाते हैं बीफ, उनको सब चिकन 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 मिल रहा होता तो वो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो मेरे पास चिकन लवर अलग हैं, बीफ लवर अलग हैं, और मेरे पास एक बर्गर सबवे बर्गर, वो जो है आप समझ लो उसके अंदर हमने हर चीज़ डाल दी, कुछ नहीं बचा उसके में डालने के लिए। सब सॉसेस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया हमने। सॉसेस के मुझे बताएं, सॉसेस भी कहा जा रहा है कि आप घर पे बना रहे और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं क्वालिटी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको चाहे मेरे किचन में आके चेक कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है मेरे लिए। सॉसेस की कहानी बताएं, जब सॉसेस आप बना रहे थे, जब वो आप उसको ईजाद कर रहे थे तो कितनी मुश्किल आई? मैंने एक दफ़ा सॉस बनाया वो ख़राब हो गया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा बनाया, एक दफ़ा मैंने गर्म में बनाया वो ख़राब हो गया, फिर मैंने ठंडे में बनाया वो ख़राब हो गया, फिर मैंने बोला ठंडा और गर्म को मिक्स करके बनाते हैं, तो फिर एक बड़ी मुश्किल से जो है मैंने जो है ना अपना सॉस बनाया इसको। इसको जब तक पकाएंगे नहीं मज़ा नहीं देगा। नदीम भाई बताएं कि खाने पीने के आजकल रुझान बढ़ता जा रहा है, कराची वाले तो वैसे ही शौकीन हैं, और मैं देख रहा हूँ कि मर्द हजरात काफ़ी जो है किचन में जा रहे हैं बना रहे हैं, तो ये शौक होता है या शादी के बाद थोड़ा कोई खौफ हो जाता है बीवी का? नहीं नहीं, बस ऐसे ही बैठे हुए हमने दिल चाहा। मेरा छोटे भाई का ये बड़ा अच्छा सा वो था, मेरा छोटा भाई वो बना बना के हमें खिलाता था। एक दिन हमने भी बोला हम भी कुछ बनाते, हमने बर्गर बना डाला। जब बर्गर बना तो घर वालों ने बड़ी तारीफ़ करी, तो हमने कहा ये लॉन्च करते हैं। फिर मेरे छोटे भाई के साथ मैंने इस रेस्टोरेंट को ओपन किया और बेहतरीन रिजल्ट मिला हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारा बड़ा साथ दिया, बहुत हम खुश हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इस काम में। जो इन्होंने बर्गर प्लेटर इंट्रोड्यूस कराया था वो 1st of November को कराया था, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास वीकेंड्स के अलावा ऑफ वीकेंड भी इनके पास टाइम नहीं है, इतना इनके पास रश है और कराची के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और बेहतरीन इनको फीडबैक देके जा रहे हैं। कैसा कितना अच्छा लगता है कि जब आप अपने नई चीज़ ईजाद करिए और लोगों को वो पसंद भी आई, फिर वो अच्छे रिव्यूज़ भी देके जा रहे हैं? सर हमारा तो सीना खुल जाता है, हम तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा रवैया और लोग जो हैं बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है। बर्गर प्लेटर से पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन? बर्गर प्लेटर से पहले सिचुएशन हमारी थी थोड़ी सी, हम स्लो थे बहुत ज़्यादा, तो लेकिन बर्गर प्लेटर के बाद जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसके लिए जो है ना हमने बड़ा मेहनत किया है, मेरे हम दो भाइयों ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए। तो ये पूरा आइडिया मेरे छोटे भाई का, उसने मुझसे डिस्कस किया और हमने इसको लॉन्च किया।
बर्गर प्लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसको टेस्ट करके भी बताएंगे कि उसके रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जैसे नदीम भाई ने कहा है कि कराची के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ चुके हैं और एक महीने में ट्राई कर चुके हैं। रिकमेंड करता हूँ आप भी यहाँ पर आएँ और नदीम भाई के हाथ का बर्गर ट्राई करें। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, इवन क्वान्टिटी भी भर के डाल रहे हैं। और तीन किस्म के बर्गर आपको मिल रहे हैं और विंग्स के साथ फ्राइज भी हैं। और नदीम भाई इसके प्राइस वगैरह भी आप बता दें। सर इसके हमने जो प्राइस निकाले हैं ये है 990 का जी। ये जो अगर आप एक्चुअल प्राइस लेंगे ना, अगर सिंगल पर्सन के लिए हिसाब से अगर एक एक चीज़ लेते हैं तो ये 1500 से अबव जाता है। तो हमने जो है ये अभी सिर्फ लॉन्चिंग के लिए, और हमने बोला है कि अभी लोग खा रहे हैं। मेरे पास इतने कस्टमर आते हैं वो कहते हैं डील आपने रोकी तो नहीं है, बंद तो नहीं किया? मैंने बोला नहीं अभी नहीं, आप लोगों की ख्वाहिश पे जो ना अभी हमने चलाया हुआ है। 990 रखा हुआ इसका प्राइस, 999 नहीं रखा, वरना एक रुपया देना मुश्किल होता है। दस रुपये मैं दे सकता हूँ, तो इसलिए जो ना मैंने 990 रखा हुआ है इसका रेट।